दोस्तों आर ब्लॉक से लेकर दीघा के बीच शानदार चमचमाती रोड बनकर तैयार हो चुका है। इसे अब आम जनता के लिए भी खोल दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी पटना न्यूज फैमिली को इस नई रोड के शानदार व्यूज को आपको दिखाऊंगा और लाइव लोकेशन पर भी ले जाऊंगा और इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे क्योंकि वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ अर्जुन और आप देख रहे हैं पटना न्यूज। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस रोड का उद्घाटन भी कर दिए हैं, जिसके बाद इस रोड को आम जनता के लिए खोल दिया गया है। तो चलिए हम चलते हैं इसके लाइव लोकेशन पर। ओके, तो मैं आ चुका हूँ आर ब्लॉक दीघा 6 लेन के पास, जिसे आप आधिकारिक तौर पे अटल पथ भी कहते हैं। कितना शानदार व्यू है, तो इस वीडियो को मैं यहीं से शुरू करूंगा। तो चलिए मेरे साथ। दोस्तों अब बात करते हैं इसके कुछ डिटेल्स के बारे में। दोस्तों आपको बता दूं कि इस आर ब्लॉक से दीघा के बीच बना यह अटल पथ को लगभग 7.6 किलोमीटर लंबा बनाया गया है। वहीं आर ब्लॉक से दीघा के बीच इस अटल पथ का निर्माण लगभग 340.51 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया गया है। दोस्तों आपको यह भी बता दूं कि यह रोड बिहार का सबसे स्मार्टेस्ट रोड के श्रेणी में भी आता है, क्योंकि इस रोड को बनाने में हर एक छोटी और बड़ी चीजों का ध्यान रखा गया है, जिसमें राहगीर को किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो इसको लेकर एलईडी स्क्रीन भी लगाई गई है, जहां पर राहगीर के लिए इस पर ट्रैफिक से जुड़ी हुई सभी जानकारी मिलती रहेगी। इसके साथ साथ फुट ओवर ब्रिज का निर्माण आर ब्लॉक के पास पार्क का निर्माण किया गया है। इसके साथ साथ बचे हुए जगहों पर पेड़ भी लगाई जा रही है। आपको बता दूं कि अभी फिलहाल इस रोड का काम एक फेज का बचा हुआ है और इस एक फेज का काम किया जा रहा है। तो चलिए आपको इसके लाइव लोकेशन पर आपको लेकर चलता हूं। हम जैसे ब्रिज को क्रॉस कर रहे थे तो उसी क्रम में हमें कुछ कंस्ट्रक्शन का दिखा, उसके बाद हम यहाँ पे रुके तो हमें पता चला कि यहाँ पे नेक्स्ट फेज का जो कंस्ट्रक्शन का वर्क है उसे फिलहाल किया जा रहा है। तो यहाँ पे फिलहाल कंस्ट्रक्शन का वर्क किया जा रहा है। आगे की वीडियो अभी और बाकी है, तो मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। ओके, अब आपको बता दूं कि इस रोड को दीघा से लेकर दीदारगंज के बीच बन रहे मरीन ड्राइव और दीघा ब्रिज से भी इसे जोड़ दिया जाएगा, ताकि लोगों को सफर और भी आसान बनाया जा सके। हम इस वीडियो में इसकी लास्ट एंडिंग पॉइंट तक जाने की कोशिश किए, पर आगे रोड बंद होने की वजह से हम उस लाइव लोकेशन तक नहीं जा पाए और जो निर्माण किया जा रहा था वहां तक हम गए। तो चलिए हम उस लाइव लोकेशन पर चलते हैं। ओके, तो हम आ चुके इस रोड के लास्ट पेज पे। अटल पथ का लास्ट पेज यहीं पे होगा और इसका निर्माण काफी तेजी से फिलहाल तो अभी नहीं किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे फिलहाल सेकेंड फेज का काम बाकी है, जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में बताया है। और यहाँ पे यह रोड एंड हो जाएगा, तो हम भी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियो आने वाली, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और अर्जुन को दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।